नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ हम तुम विद मेहदी। आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो सेक्स एजुकेशन का टॉपिक है। क्यों, आपको ये टॉपिक अहम नहीं लगता? जी नहीं, ये एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी डोर डायरेक्टली हमारे समाज, हमारे बच्चों, हमारे युवाओं से जुड़ी हुई है। वैसे तो देखिए, हम ये समझते हैं कि हम एक बहुत मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, मगर अगर सही मानों में देखा जाए तो आज भी हम पुरानी सोच के गुलाम हैं। आपको नहीं लगता कि आज भी अगर सेक्स का टॉपिक हमारे सामने आ जाता है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अनसेटल हो जाते हैं? मगर आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन हमारे बच्चों, हमारे युवाओं के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। हम सेक्स का नाम आते ही अनसेटल क्यों हो जाते हैं, हम क्यों घबरा जाते हैं? मिसाल के तौर पे, अगर एक बच्चा चार लोगों के सामने हमसे कोई सेक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम बगलें देखने लगते हैं, घबरा जाते हैं। हम डायरेक्टली उससे बात क्यों नहीं कर पाते, हम उसके सवाल का डायरेक्ट जवाब क्यों नहीं दे पाते? ऐसा क्यों है कि सेक्स वर्ड आते ही हम अनसेटल हो जाते हैं? देखिए, वैसे तो सेक्स एक बहुत मामूली सा लफ्ज़ है, मगर ये आपको पता होगा कि ये हमारी आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम चीज़ है। क्या आपको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ 34% ऐसे नौजवान हैं जिन्हें HIV प्रिवेंशन और ट्रांसमिशन की एक्यूरेट नॉलेज है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनेस्को के फिगर्स हैं। और तो और, दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां 3 लड़कियों में से 2 लड़कियों को ये पता ही नहीं होता कि कब उनके पीरियड्स शुरू हो गए। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अनुसार सेक्स एजुकेशन का मेन उद्देश्य बच्चों और युवाओं में सही जानकारी को बढ़ाना है। सेक्स एजुकेशन में खाली सेक्स की बात नहीं होती, इसके जरिए हम युवाओं और बच्चों में पॉजिटिविटी और सही सोच को जगा सकते हैं। सेक्स एजुकेशन हमारे सोशल डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज के लिए भी बेहद ज़रूरी है। ये आपको बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के ज़रिए हम युवाओं में मेंटल और फिजिकल हेल्थ को वो कैसे ठीक रख सकें इसकी जानकारी देते हैं। इसमें हम जेंडर इक्वालिटी से लेके मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल आइडेंटिटी जैसी चीज़ों के बारे में उन्हें बताते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं, जो कि उनके लिए बेहद ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन की मदद से हम अपने बच्चों को सही और गलत की प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं। उन्हें हम ये बता सकते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। देखिए, आजकल के ज़माने में अक्सर ये देखा गया है कि जिन युवाओं को सही नॉलेज से दूर रखा जाता है वो अक्सर ये नॉलेज गलत तरीक़ों से हासिल कर लेते हैं। अब हमें ये बताइए कि इसमें गलती उनकी है या हमारी आपकी है? देखिए, मेरे हिसाब से तो गलती हमारी आपकी है। वो इसलिए क्योंकि घर में हम सेक्स और बॉडीली चेंजेस जैसी चीज़ों के बारे में तो बात करते नहीं। अगर कोई हमसे कुछ पूछ लेता है डायरेक्टली आकर के तो हम घबरा जाते हैं, अनसेटल हो जाते हैं, बगलें झांकने लगते हैं अपनी, कोशिश करते हैं कि उस सवाल को हम कंप्लीटली अवॉइड कर दें, सवाल का जवाब ही ना देना पड़े। जब ऐसा होगा तो बच्चे
कहीं ना कहीं से तो अपने सवाल का जवाब ढूंढेंगे ना। एक एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं, क्या आपके घर में ऐसा माहौल है जहां पे पीरियड्स यानी महावारी के बारे में खुल के बात की जा सके? नहीं है अगर, तो कहां से पता चलेगा उन्हें? उम्र के जिस मोड़ पे बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं से अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर बच्चों ने अपने सवाल के जवाब पोर्नोग्राफिक वेबसाइट से ढूंढने की कोशिश किए, तो यकीन मानिए उनकी मानसिकता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे कोई भी सही चीज नहीं दिखाई जाती। हमें कैसे रिश्ते बनाने चाहिए, कैसे दूसरों का सम्मान करना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बजाय बच्चों को सही राय मिलने के, बच्चे और युवा एक गलत परसेप्शन बना लेते हैं जो उनके लिए और उनकी वजह से बाद में समाज के लिए बहुत बुरा होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इन वेबसाइट्स को ही बैन कर देना चाहिए। देखिए, बैन करना एक सल्यूशन हो सकता है, मगर ये मुकम्मल सल्यूशन नहीं है। मुकम्मल सल्यूशन ये है कि हम अपने बच्चों को सही नॉलेज दें, सही टाइम पर दें, और इसके लिए हमें ये चाहिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि बच्चों को सही मोड़ पे सही जानकारी मिल सके। देखिए, बच्चों के दिलो दिमाग में सवाल उठना नेचुरल है। जरूरत इस बात की है कि हम उन सवालों के सही जवाब सही टाइम पे दें। अगर आपके जरिए आपके बच्चों को सही जानकारी सही टाइम पे मिलती रहेगी, तो चांसेस इस बात के बहुत कम हो जाते हैं कि वो गलत रास्ते पे जाके अपना जवाब ढूंढें, क्योंकि सही जानकारी आप उन्हें पहले ही दे चुके हैं। अक्सर हमारे समाज में यह देखा गया है कि छोटे बच्चे अपने घर के आसपास, अक्सर अपने घर में भी इनसेंसिटिव और वायलेंट बिहेवियर औरतों और मर्दों का देखते हैं। इससे उनके दिलो दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ये हमने आपको बताया था पहले भी, फिर रिपीट कर रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन खाली सेक्स के बारे में बात नहीं करता। सेक्स एजुकेशन में हम पॉजिटिव सोच और सही जानकारी बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ है। अगर हमारे घर में लड़का और लड़की है और हम उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो ये बहुत गलत है। मान लीजिए आप अपनी लड़की से तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे काम करे, और लड़के को आप ये कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, बस खाली आराम करो, तो ये तो गलत है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सेक्स एजुकेशन के जरिए बच्चों में ये सारी चीज़ें जगा सकते हैं, उन्हें ये सारी बातें बता सकते हैं। इसमें बहुत हद तक हमें अपने को भी, अपने बुजुर्गों को भी, उनकी भी सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम बच्चों और युवाओं में ये अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उन्हें हम सही एजुकेशन दे सकते हैं कि उन्हें अपने सवालों के सही जवाब मिल जाया करें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें स्कूलों और कॉलेजों में बाकी सब्जेक्ट्स की तरह सेक्स एजुकेशन को भी शामिल करना चाहिए। हम समाज को तभी ठीक कर सकेंगे जब शुरुआत से ही हम अपने बच्चों की जड़ों को मजबूत करेंगे। आइए एक एजुकेशन एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सेक्स एजुकेशन क्या है, कितनी इम्पोर्टेंट है,
और स्कूल्स को देनी चाहिए या नहीं, या पेरेंट्स को इसके बारे में ओपनली बात करना चाहिए या नहीं, हम ये सब डिस्कस करने यहाँ पर आए। सेक्स एजुकेशन इस वर्ड में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस वर्ड में सेक्स जुड़ा हुआ है, द वर्ड सेक्स इज देयर। तो इसके बारे में बात करने के पहले मैं पहले बात करना चाहूंगी एजुकेशन के लिए। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज द पाथ टू प्रोग्रेस, तरक्की का रास्ता एजुकेशन है। किसी चीज का नॉलेज रखना और उसको वाइजली यूज करना, वो एजुकेशन है। मैं इसका छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि नॉलेज हमारे कैसे काम आता है। आपने और मैंने टेबल्स पढ़े हैं बचपन से, 5 का टेबल, 7 का टेबल, 10 का टेबल, 17 का टेबल। हम रोज उसको यूज नहीं करते, मगर जब हमें जरूरत होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और हम उसको यूज करते हैं। सो इन द सिमिलर वे, जैसे मैथ्स एवरी डे के लिए जरूरी है, एक ह्यूमन लाइफ के लिए मैथ्स जरूरी है, उसी तरह सेक्स का नॉलेज जरूरी है। अब क्योंकि वर्ड सेक्स जुड़ा हुआ है इसलिए ये एक टैबू का विषय है। तो इसको हम रीफ्रेम अगर हम करें और हम बात करें सेक्स हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए कि नहीं, तो मेरे ख्याल से कि वी विल अग्री कि हमें देनी चाहिए। हमको किसको देनी चाहिए? हम किसको देते हैं? हम देते हैं टीनेजर्स को। ये एजुकेशन टीनेजर्स के लिए है। टीनेजर कौन है? टीनेजर फ्यूचर अडल्ट्स हैं, जो हमारे आने वाली सोसाइटी बनाएंगे, आने वाला नेशन बनाएंगे। और वो एक ग्रोइंग इंडिविजुअल है जिसके बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, जिस जो हार्मोनल चेंजेस को फेस कर रहा है, इमोशनल चेंजेस फेस कर रहा है, और साथ में उसके साथ बॉडी का डेवलपमेंट इंटू एन अडल्ट भी हो रहा है। तो अगर हम उसको उसके बारे में एजुकेट करें, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको सटीक नॉलेज दें, सही साइंटिफिक मुद्दे को उठाते हुए उसको बताएं, तो हमारा टीनेजर जरूर समझेगा। अगर हम नहीं बताते, वो ढूंढेगा इंटरनेट, वो जाएगा इंटरनेट पे और डिफरेंट साइट्स जो डिफरेंट प्रॉफिट्स के लिए चल रही हैं, वो साइट्स देखकर एक गलत नॉलेज अपने अंदर ले लेगा। तो ये उसको ये मौका क्यों दें हम? वो बेटा या बच्चा हमारा है, बेटी हमारी है, तो इसलिए सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। फायदे क्या हैं इसके? इसके फायदे ये हैं कि अगर हम उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम उसे वो बता रहे हैं जो एक्चुअल में सही है। इसमें अगर हम ओपन टॉक रखते हैं, पेरेंट भी बात करता है, स्कूल भी बात करता है, टीचर भी बात करता है, तो दे विल अंडरस्टैंड इट बेटर। साथ ही जो सोसाइटी के दूसरे कनेक्टेड इश्यूज हैं वो भी सॉल्व होंगे, एज फॉर एग्जाम्पल अनवांटेड प्रेगनेंसीज, एसटीडीज, रेप्स, और बहुत से जो इमोशनल कनेक्शन है, वो जो अप्स एंड डाउन्स में बच्चे गुजरते हैं, वो सब कंट्रोल में आ जाए। इसके अलावा हम उनको एक वेल इन्फॉर्म्ड अडल्ट भी बनाएंगे। सो इसलिए आई फील कि हमको बच्चों से बात करनी चाहिए, वो हमारे बच्चे हैं। सही और गलत का नॉलेज अगर हम अपने बच्चे को दें, सेक्स के बारे में नॉलेज हम उसको दें, क्योंकि ये वो आगे यूज करेगा, उसकी जिंदगी का पार्ट है ये अडल्ट बनने के बाद, तो अगर हम उसको ये नॉलेज दें तो उसके लिए अच्छा होगा, सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, नेशन के लिए अच्छा होगा, और साथ में उसमें संस्कार भी हम डाल सकते हैं। इसलिए आई थिंक इट इज नेसेसरी दैट स्कूल्स पेरेंट्स शुड टॉक ओपनली अबाउट इट। सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के अलावा हमें अपने अंदर भी बदलाव लाने की जरूरत है। हमें हर उस इंसान की मदद करने की जरूरत है जो या तो रास्ता भटक गए हैं या झेपते हैं सेक्स के बारे में सही जानकारी हासिल करने से। हमें उन लोगों को सही जानकारी देने की ज़रूरत है, उन्हें सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर कोई इंसान बहुत शर्मीला है और उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उसका मजाक उड़ाएं, हमें ये चाहिए कि हम उसे सही जानकारी सही तरीके से दें, ताकि उसे कुछ मदद मिल सके और वो इस समस्या से बाहर निकल सके। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि हमें अपने बच्चों के सेक्स रिलेटेड सवालों के उन्हें सही जवाब सही वक्त पर देते रहना चाहिए। जैसे हम उनसे हर टॉपिक पे बात करते हैं, वैसे ही हमें उनसे सेक्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमें सेक्स पे बात करने से
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है जो हम उन्हें बता रहे हैं। हम सही जानकारी अगर अपने बच्चों को सही वक्त पे देंगे तो वो रास्ता नहीं भटकेंगे। आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए लिख के बताएं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नमस्कार।